Hey all, welcome back to my happy umbrella. This is a Diwali vlog और पिछली बार की तरह ये भी होने वाला है हिंदी में. पिछली बार का दिवाली व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक इज हेयर, गो वॉच इट, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. इस साल COVID-19 की वजह से बहुत सारी चीजें अलग है, नो पार्टीज, नो गैदरिंग, नो इवेंट्स. पर दिवाली की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फैमिली का साथ में होना और साथ में एंजॉय करना, और आई थिंक वो सब चीजें हमारे पास में है तो दिवाली तो अच्छी मनेगी ही. सो इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं दिवाली डेकोर हॉल, सो मेनी डेकोरेशन आइडियाज, फ्यू ग्लिम्स ऑफ पूजा एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर दिवाली 2020. तो शुरू करें, पर उससे पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हर साल की तरह इस बार भी मैंने दिवाली की कुछ शॉपिंग करी है जिसमें कुछ डेकोरेशन आइटम्स हैं और कुछ पूजा की चीज़ें हैं. यहाँ पर इंडियन स्टोर्स में बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती है तो जो मुझे पसंद आया आई जस्ट ग्रैब दैट. आई लव दीज ब्यूटिफुल डेकोरेटिव दिया. आई थॉट इट विल लुक सो ब्यूटिफुल ऑन माई किचन काउंटर टॉप. ये कुछ डेकोरेटिव दिए गंगा जल फॉर पूजा ऑफकोर्स और प्लेन दिए. आई गॉट दिस ब्यूटिफुल मेटल दिया फॉर अ कॉर्नर विच आई एम गोइंग टू क्रिएट. और ये कलश, ये भी पूजा के लिए. एंड आई गॉट दिस लैंटर्न्स, ये मिट्टी के हैं और गुजराती स्टाइल में हैं. आई फाइंड दोज एज ब्यूटिफुल डेकोर पीसेस सो आई गॉट देम. And these are extra bati for diyas. So now I'm going to start decoration. और सबसे पहले I need to set up this corner. So जैसे ही आप घर में entry करते हैं सबसे पहले ये corner दिखाई देता है and I really wanted to make it our puja corner. I already got everything I need to create this one. This corner will be the first place I'm going to decorate in my new space. I got this beautiful wood cabinet from Wayfair. The details or links of everything I'm going to show to create this corner will be added in the description box. So check it if you find anything interesting. Here I'm placing this wooden cabinet in the corner. ये कैबिनेट बहुत स्पेशियस है विद टू शेल्व्स एंड ऑल्सो इट्स वेरी स्मूथ इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स. फिर मैंने ये गणेश मूर्ति रखी है कैबिनेट पे. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वेफेयर. इसके बाद मैंने ये मेटल दिए जो मैं इंडियन स्टोर से लाई हूँ वो ऐड किए हैं ऑन ईच साइड टू गिव दिस डेकोर अ बैलेंस लुक. आई लाइक दिस सिंपल एंड ब्यूटिफुल लुक ऑफ इट सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग मोर ऑन द कैबिनेट. क्योंकि ये कॉर्नर थोड़ा सा डार्क है आई हैव गॉट अ पेंडेंट लैम्प फ्रॉम आइकिया. इट्स मेड ऑफ ग्लास एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. आई ऑल्सो गॉट दिस बिग बल्ब टू गो विद द लैम्प एंड दिस कॉर्ड दैट कुड बी हैंग्ड ऑन द सीलिंग विद सपोर्टिव हुक्स. नाउ लेट्स असेंबल इट एंड हैंग इट ऑन द सीलिंग. And this is how it looks after hanging. I think it looks just perfect and beautiful to brighten this corner. Next, I'm going to add some greenery. If you follow me on Instagram, you must know how much I love plants. This plant and planter both are from IKEA and I think it goes so well with the decor.
And this is the final look of the corner. Simple, elegant, beautiful, warm, just like I wanted it to be. नेक्स्ट मैं डेकोरेट करने वाली हूँ ये स्टेयरकेसेस. माय हाउस हैज थ्री स्टेयरकेसेस और मैंने डिसाइड किया है कि आई डेकोरेट दीज रेलिंग्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. मैंने अमेज़न से ये पिंक रोजेस की गार्लैंड ऑर्डर की है. आई रियली वांटेड द मैरी गोल्ड वंस बट द क्वालिटी वॉज नॉट सो गुड सो आई डिसाइडेड टू गेट दीज वंस. तो मैंने बस ये गार्लैंड्स को रेलिंग्स पे अटैच कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप एंड आई थिंक इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. इफ यू गाइस डोंट नो वी रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू रेंटल स्पेस एंड वी आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग. तो घर अभी ऑलमोस्ट खाली है. इफ यू वांट टू सी द होल एम्प्टी हाउस टूर द लिंक इज ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट मैं ये स्ट्रिंग लाइट्स रैप करने वाली हूँ रेलिंग्स पर. आई गॉट दीज फ्रॉम IKEA एंड दे आर बैटरी ऑपरेटेड. So the railings looks like this after that. Isn't it beautiful? कई बार छोटी छोटी simple चीजें भी बहुत beautiful look देती हैं and same thing has happened here. I can't tell you how beautiful this is looking in real and it instantly gave the house a festive vibe. अब ये सेम मेथड मैं यूज़ करने वाली हूँ फायरप्लेस को डेकोरेट करने के लिए. बट दिस टाइम आई एम यूजिंग दीज वाइट फ्लावर गार्लैंड एंड दीज लाइट स्ट्रिंग्स विद बिगर बल्ब. द गार्लैंड इज अगेन फ्रॉम अमेज़न एंड द स्ट्रिंग लाइट इज आई थिंक फ्रॉम टारगेट विच आई ऑलरेडी हैड. गाइस तो आज दिवाली मॉर्निंग है. घर में गार्लैंड्स लग चुकी हैं, लाइट्स लग चुकी हैं, बहुत अच्छी फेस्टिव वाइब्स आ रही है. बट स्टिल सो मेनी डेकोरेशंस आर ड्यू एंड आई नीड टू डू कुकिंग टू. सो लेट्स डू इट. As today is the Diwali day, I wanted to do all the decorations and preparations before the puja, so there will be less work for me in the evening. तो यहाँ पर मैं ये ब्यूटीफुल क्ले लैंटर्न्स फायरप्लेस पे डेकोरेट कर रही हूँ और इनके अंदर मैंने कैंडल्स लगाई हैं. और यहाँ किचन काउंटर कॉर्नर पे मैंने ये लैंटर्न लगाया है. दिस वन आई ऑलरेडी हैड एंड इट्स फ्रॉम IKEA. ऑल्सो आई एम प्लेसिंग सम डेकोरेटिव दियाज विद इट. और यहाँ दूसरे कॉर्नर में इस स्टोन लैंटर्न को मैंने फिल किया है बैटरी लाइट स्ट्रिंग से. और यहाँ भी मैंने ये डेकोरेटिव दिया लगाया है. दिस स्टोन लैंटर्न इज फ्रॉम जबलपुर इंडिया. और अब टाइम है पूजा सेटअप का. हेयर एवरीथिंग इज फ्रॉम USA ओनली एक्सेप्ट द आइडल्स एंड चौकी कवर विच आई गॉट फ्रॉम इंडिया. यहाँ इंडियन स्टोर्स में ये लक्ष्मी पूजा किट मिलता है जिसमें पूजा से रिलेटेड सारी चीजें होती है. आई रियली लाइक दिस वन एंड गेट दिस ईच ईयर फॉर दिवाली पूजा. Making Ivan, what's that? Mom, I'm painting that. Diyas? You're painting diyas? Yeah. हर साल की तरह इस बार भी इवान ने दिए कलर किए. ही वॉज सो हैप्पी टू डू दिस एक्टिविटी एंड आई वॉज हैप्पी टू दैट ही इज इन्वॉल्व इन दिवाली डेकोरेशंस. और हाँ, दिवाली फीस्ट इज ऑल्सो रेडी, सो टेक अ लुक. हैप्पी दिवाली गाइज, इट्स दिवाली इवनिंग. आई एम ऑल रेडी और अब टाइम है कुछ फाइनल डेकोरेशंस और दिवाली पूजा का. जैसा कि आपको पता है कि मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ तो यहाँ बस मैं सारे दियों को जला रही हूँ.
और यहाँ मैं और इवान कुछ फ्लावर डेकोरेशंस कर रहे हैं विच यू आर गोइंग टू सी इन फ्यू सेकेंड्स। And this is the final look of fireplace. And yes, Ivan is super excited. Kansas में November में weather बहुत windy होता है, तो बाहर रंगोली बनाने की जगह मैंने ये entry door के दोनों तरफ flower arrangement किया है. It's basically clay saucers for flower pots, जिसमें मैंने flower petals और floating candles लगाई हैं. It's super quick and easy and looked beautiful too. And here I decorated Ganesh ji with some flowers and lighted these metal diyas. And this is how the final puja looked with all the flowers, puja samagri and prasad. I hope you guys have an amazing week ahead. I hope you enjoyed the video. If you are new, make sure to say hi in the comment section. I will be so happy if you hit the subscribe button and it will help my channel a lot. And if you are already subscribed, thank you so much for all the love and support. Keep giving that. I will see you all in my next one. That is most probably a Christmas decor video. Till then, stay safe, take care, and bye-bye.